हेलो, मैं आप सभी को कुछ बताना चाहूँगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 8 मार्च को हम महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। हमने उस दौरान कुछ कार्यक्रम करे। हमने हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी के करनार बधिर विद्यालय में गए। कविता और मैं मिलकर वहाँ गए। हम उनका बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, उन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया। हमने प्रस्तुतिकरण की जो कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर थी। वहाँ पे कई सारी बधिर बच्चियाँ हैं जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं, लेकिन परिवार के दबाव के कारण पढ़ाई छोड़कर वह शादी कर लेती हैं, और महावारी के समय वह स्कूल से छुट्टियाँ लेकर घर में बैठती हैं, जिससे पढ़ाई का नुकसान होता है। ऐसी कई सारी परेशानियाँ थी जिनका हमने हल किया। कविता और मैंने मिलकर एक्ट किया ताकि सभी बच्चे अपने आप को सशक्त महसूस कर सके और स्वतंत्र जी सके। हमने जोपाड़ी गेम की भी किया, जिसमें क्विज कंपटीशन था, जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल थे जो हमने महिला दिवस के ऊपर आधारित किए थे। बधिर बच्चे और बधिर लड़कों लड़कियों ने सभी ने भाग लिया, और जीतने वालों को हमने उपहार दिया। 150 से अधिक बच्चों ने इसमें भाग लिया। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। मैं कविता का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पे बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया, और वह बहुत अच्छी लीडर हैं। मैं मिशा का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने यह कार्यक्रम किया और इसको सोचा कि वो कैसे कर सकेंगे। वह बहुत समय से सोच रही थी इस कार्यक्रम को करने के लिए, लेकिन कोविड की वजह से वह नहीं कर पा रही थी। कोविड केसेस कम होने की वजह से हम यह अच्छे से कर पाए। करनाल बधिर विद्यालय के सभी वॉलंटियर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। आइए इस प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ देखें।